हेलो दोस्तों, मैं सौरभ त्यागी आपका स्वागत करता हूँ फिट फॉर हिट चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आपसे पानी हमें किस तरह से पीना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी पीने का सही तरीका क्या है? हमें ये तो पता है कि पानी पीना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमें पानी किस तरह से पीना चाहिए? आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग पानी खड़े होकर पीते हैं, जिससे हमारे शरीर पर कई दुष्परिणाम पड़ते हैं। आइए जानते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो हो सकती है आपको मूत्राशय और गुर्दे की बीमारी। हमारे गुर्दे का काम होता है शरीर से गंदे पदार्थों को छानकर बाहर निकालना। जितना अधिक आप पानी पीते जाते हैं, उतने ही अच्छे से गुर्दे हमारे काम करते हैं। दोस्तों, गुर्दे को गंदगी बाहर करने में आसानी होती है, लेकिन जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तब पानी तेजी से गुर्दे से होते हुए बिना अधिक छने मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय या रक्त में गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जिससे मूत्राशय, गुर्दे और दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, खड़े होकर पानी पीने से हो सकती है गठिया बाई की बीमारी। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि खड़े होकर पानी पीने से उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है और वो जल्दी से मूत्राशय में चला जाता है, जिससे शरीर में जहां जहां भी पानी की जरूरत होती है वो वहां वहां तक नहीं पहुंच पाता है और शरीर के अन्य तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हमारे जोड़ों में आवश्यक तरल पदार्थ की कमी हो जाती है और जोड़ों में दर्द और गठिया जैसी बीमारी हो जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीने का कोई फायदा नहीं है। खड़े होकर पानी पीने से आप हमेशा बीमारियों को दावत देते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।